राज्य में वृद्धि पाउछि वज्रकाप्ता चोरा चालाण। अधिकांश समय कटक जिलारु वज्रकाप्ता चोरा चालाण घटना सामना को आसुछे, जहां राज्य तथा देश बाहर को यार लिंक थिबा एसटीएफ अनुमान करिछे। शुक्रवार एसटीएफ द्वारा कटक जिला बड़म्बा अंतर्गत अभिमानपुर एक जीवंत वज्रकाप्ता उद्धार करा, जनक गिरफ्त कर। वज्रकाप्तार मांस ठारु आरंभ करी शरीर बाहर थिबा अंश विभिन्न कार्य लागुथिबारु देश तथा देश बाहर मध्य वज्रकाप्तार बहु चाहिदा रही। एथिपाई शिकारी माने एही जीव को विशेष भाव शिकार करने को टार्गेट करुछंती बोली एसटीएफ पक्षर कह। जंगल में जीवजंतु अवैध शिकार रोकवा गठन होता टीम ठीक भाव कार्य करने बहु शिकार होता सामग्री जबत करने को सक्षम हो। आगामी दिन में किपर वज्रकाप्तार सुरक्षा कर से दिगरे विशेष ध्यान दिजो बोली एसटीएफ जने अधिकारी कहते। लाइफ जीवंत पांगुलिन मिलला, जोड़ा ओजन कर जना पड़ा जो 14 kg एवं तार फिट लेंथ हम प्राय 4 फुट। पांगुलिन हूँ गोटे रेयर स्पीसीज बोले कि तेणु टू मेंटेन इकोलोजिकल बालांस एंड परिवेश मैंने सरकार तरफ सर्वाइवल पाई बहुत चेष्टा कर। इंटरनेशनल मार्केट यार दाम भेरी कर फ्रम प्लेस टू प्लेस। पांगुलिन मीट तार स्केल तार ब्लड एगुरा सब हूँ सब पार्ट इवन टेल एंड क्लज एगुरा सब तार भलेबुल से प्राय मेडिसिन सब तैयारी हो। वज्रकाप्तार बहु मूल्यवान औषध तैयारी शिकारी माने को टार्गेट कर। महामारी कोरोना समय रे एक चोरा चलाण वृद्धि पाई, तेरे घटन वन विभाग बहु चेष्टा करते यार चेर क्यों जाए लंबी धरवे विफल हो। वन विभाग एथप्रति तप्तर होगा वज्रकाप्ता चोराचरण रोकवा दरकार बोली प्राणी विशेषज्ञ शुभेन्दु मल्लिक कहते। ये शिकारी मैंने प्रथम रखती बंचे कि कहीं बंचलार दाम अधिका या बहुत टकर डिल करते तो सहीटा कि समय पर खाया दे पोषा कष्टर तापर मरीगला माँस से खाई काती रेट पुणे बिक्री हुए अलग रेट हुए कि आम भारत में डायरेक्टली यार कंजम्पशन सेमती नुहे माध्यम जी भारत रू अन्य देश को जाए से लिंक क्राइम बहुत गुड़े कर्चम कले कि आज पर्यटन आम गोटे कंक्रीट गोटे पाने तेणु वन विभाग सब था वन विभाग कौन कर विषय में मतामत देवी नहीं तो से दरकार। एसटीएफ हाथ में बारंबार लगुच वज्रकाप्तार चोरा चलाण, राज्य में बारंबार यही घटना देखा मिलता बेले वन विभाग एथप्रति आहरी तप्तर रहा आवश्यक रही। तेज देखा बाकी रहा घटन वन विभाग तप्तरता केवे देखा मिले। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेन और रविनारायण सुशांत साहू और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।